जामतुल मुफ्लिहात एंड फलाक ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ TV। आई नज़रते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस की पहली खबर पर। ABVP के अरकान और हिंदू एक्टिविस्ट ने हफ्ते को कर्नाटक भर में MCA की तालिबा निया हेडमत के कत्ल और मुबैना तौर पर लव जिहाद की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने मुलजिम फैयाज कोंडिकोप्पा को सजाए मौत देने का भी मुतालिबा किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 11 तलबा नरसापुर मंडल सेंटर में अपने हॉस्टल में बासी खाना खाने के बाद बीमार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 तालिबे इल्मों ने रात 10 बजे रात के खाने के बाद पेट में दर्द की शिकायत की, जहां 3 तलबा को निर्मल के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वहीं तलबा के वालिदैन की दरख्वास्त के मुताबिक 7 तलबा को घर भेज दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतवार को कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान करार दिया, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए कि वो मुल्क को तकसीम करने, तोड़ने और कमज़ोर करने का खतरनाक इरादा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP की 400 पार की हदफ से कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने की इनकी ख्वाहिश का पता देती है और पूछा कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाकई में महात्मा गांधी की विरासत और उनका एहतराम करते हैं जैसे कि वो कहते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को दोनूर अनन्या रेड्डी को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 2023 में तीसरा रैंक हासिल किया और टॉपर्स में उभरी। आंध्र प्रदेश प्रेसिडेंट YS शर्मिला ने हफ्ते को कडपा लोकसभा सीट के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। शर्मिला के साथ सुनीता नाथ रेड्डी, इसकी कजन, और YS विवेकानंदा रेड्डी की बेटी भी मौजूद थी, जिन्हें 2019 के इलेक्शन के दौरान कत्ल कर दिया गया था। हैदराबाद में IKEA को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स और रेड रीसेल कमीशन रंगा रेड्डी ने हिदायत दी है कि वो एक मुकामी बाशिंदे को कागजी कैरी बैग के चार्ज करने पर परेशानी का बायस बना और 1000 रुपये का कॉम्पनसेशन अदा करे और दोबारा ऐसी गलती ना करे। AIMI प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने जुमे को हैदराबाद लोकसभा हल्के के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, इनके खानदानी असासों की मालियत 23.87 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है, जो कि 2019 में 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और 20.91 करोड़ रुपए जो कि 5 साल पहले बल तरीब 1.67 करोड़ और 12 करोड़ रुपए थी। महबूबनगर लोकसभा हलके के BJP उम्मीदवार DK अरुणा के जरिए जमा कराए गए इंतखाबी हलफनामे के मुताबिक वो और उनके शोहर के पास 82 गाड़ियां हैं, जिसमें ट्रक और कार शामिल है। DK भारत सीमा रेड्डी, उनके शोहर एक मारूफ कॉन्ट्रैक्टर है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोस ने तवील मुद्दती रुख्सत पर रहने वालों को फौरी तौर पर इंतखाबी ड्यूटी पर हाजिर होने का एहकाम जारी किया है। इलेक्शन ऑफिसर ने 13 मई को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में फराइज की अंजाम दाही के लिए अमले की कमी के बायस छुट्टी मनसूख कर दी है। जामतुल मुफ्लिहात एंड फलाक ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ। इसके अलावा 10th पास लड़के और लड़कियों के लिए 3 साल आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीब शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चे की दीन व दुनिया की मयारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।